का। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। स्वागत है आपका नगर संग्राम में। उत्तर प्रदेश में हो रहे निकाय चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल चुनावी मैदान में हैं, तो वहीं प्राइम टीवी की टीम अपने खास कार्यक्रम को लेकर प्रयागराज हंडिया वार्ड नंबर 12 में पहुंची है, जहां सभासद निर्दलीय प्रत्याशी अरुण कुमार साहू मौजूद है। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी से जानेंगे कि क्या क्षेत्र के अहम मुद्दे हैं और अगर उन्हें जनता चुनकर भेजती है तो किन प्रमुख समस्याओं पर काम करते हुए नजर आएंगे, साथ ही क्षेत्र में कैसा समर्थन देखने को मिल रहा है। तो बता दें कि निकाय चुनाव में कुछ ही वक्त रह गया है, जिसको देखते हुए सभी राजनीतिक दल एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। सभी दल तैयारियों में जुटी हुई हैं। निकाय चुनाव होने में महज कुछ ही वक्त रह गया है। बता दें, निकाय चुनाव के पहले चरण का चुनाव 4 मई को होगा, वहीं दूसरा 11 मई को और 13 मई को रिजल्ट आ जाएगा। बता दें, निकाय चुनाव में कुछ ही वक्त रह गया है, जिसको लेकर सभी दल सभी पार्टी तैयारियों में जुटी हुई हैं। बता दें कि सभी प्रत्याशी जनता के बीच अपने कामों को गिना रहे हैं, जनता के बीच विश्वास पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम दल तमाम पार्टी तैयारियों में जुटी हुई हैं। तो हम अपने खास कार्यक्रम में स्वागत करते हैं अरुण जी का। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम टीवी के खास कार्यक्रम में। जी धन्यवाद। अरुण जी सभासद पद की दावेदारी कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे जी? जी। मैं अरुण कुमार साहू, वार्ड नंबर 12, नगर पंचायत खंडिया, आदर्श नगर पंचायत खंडिया। ये चुनाव मैं नहीं, मेरे वार्ड की जनता लड़ रही है। जी। मेरा विकास का प्रमुख मुद्दा, सबसे पहले मेरे वार्ड नंबर 12 में चौरा माता का मंदिर है, उसका सुंदरीकरण मेरा प्रमुख मुद्दा है। तो अरुण जी, सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं और ये भी बताएं कि आपके राजनीतिक जीवन की शुरुआत कैसे हुई। जी, मैं 2022 12 से ही खंडिया का नगर मंत्री था भाजपा की तरफ से। जी। और जी अरुण जी, हर इंसान का राजनीति में एक मार्गदर्शक होता है, आपका कौन है? जी जी जी, मेरे मार्गदर्शक जी बस अपना राजनीतिक इतिहास, लोगों को देख उत्साह जनता में, यही मेरा है। अरुण जी, आपकी राजनीति के सफर में कौन कौन सी चुनौतियां आई? हमारे राजनीतिक जीवन में कोई भी चुनौतियां हमको नहीं समझ में आई, जो भी था अच्छा था, बेहतर था। अरुण जी, देश में तमाम पार्टियां हैं, आपने निर्दलीय चुनाव का ही क्यों सोचा? मैं भारतीय जनता पार्टी से एक कर्मठ कार्यकर्ता था और पार्टी की तरफ से टिकट मांगा, किन्हीं कारणों से मेरा टिकट कट गया। लेकिन मेरी वार्ड नंबर 12 की जनता ने कहा कि आपको चुनाव लड़ना है। ये चुनाव वार्ड नंबर 12 की जनता की तरफ से मांग थी कि वार्ड नंबर 12 के सभासद के प्रमुख दावेदार अरुण कुमार जी हैं और जनता ने कहा आपको चुनाव लड़ना है, इसलिए मुझको टिकट न मिलने के बाद मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा। तो अरुण जी, आप निर्दलीय अब चुनाव लड़ रहे हैं, अपने कंपटीशन में किसे देख रहे हैं, प्रतिद्वंदी किसे मान रहे हैं? मेरे वार्ड नंबर 12 में कोई ही प्रतिद्वंदी मेरे खिलाफ नहीं है जी।
और भी पार्टियां मैदान में होंगी, किसे कंपटीशन में देख रहे हैं? कोई है ही नहीं मेरे कंपटीशन में, कोई साफ सुथरा अच्छा छवि कोई है ही नहीं जनता के निगाह जी। मेरे निगाह में नहीं, वार्ड नंबर 12 की जनता की निगाह में मुझसे बेहतर कोई है ही नहीं जी। अरुण जी, प्रयागराज हंडिया वार्ड नंबर 12 से सभासद पद के प्रबल दावेदार हैं, अभी वार्ड में कौन सी समस्याएं देख रहे हैं आप? अभी बहुत सी समस्याएं हैं, जैसे हमारे की मेन बाजार में गल्ला मंडी में बाजार खास में चोरा माता का मंदिर का सुंदरीकरण, बाजार के अंदर पुरातन व्यवस्था के अनुरूप फिर बाजार हाट लगवाना, प्रत्येक जगह साफ सफाई करवाना, मच्छर दवा की छिड़काव कराना, ये मेरे प्रमुख मुद्दा रहेंगे। और नगर में साफ सफाई की विशेष व्यवस्था कराना जी। जनता के बीच आप किस एजेंडे के साथ जा रहे हैं? जनता के बीच जाने का मेरा मेन मुद्दा है, मेरे वार्ड की जनता ये चाहती है कि यहाँ से कोई कर्मठ योग्य सभासद चुना जाए जी। स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर वार्ड में क्या कुछ समस्याएं हैं, और अगर आपको जनता मौका देती है तो क्या कुछ करेंगे स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर? स्वास्थ्य और शिक्षा के लेकर मेरे वार्ड के प्रमुख हैं मुद्दा जी। मैं चाहूंगा कि अपने हर वार्ड में जो अपने वार्ड में जो है जितना भी हो सके, जैसे कि साफ सफाई, बिजली, खंभे, स्ट्रीट लाइट, सफाई का विशेष ध्यान, बाजार हाट में बाजार वासियों के लिए बहुत से ही समस्याएं हैं, जैसे कि तरह तरह प्रकार के सरकारी कर्मचारियों का व्यापारियों के लिए उत्पीड़न करना, हमारे व्यापारी वार्ड नंबर 12 की इससे बहुत ही परेशान त्रस्त रहते हैं, इसके लिए हम लोग विशेष ध्यान देंगे। अरुण जी, कितना आप जनता का विश्वास जीत पाएंगे, अभी तक आपने जनता के लिए क्या किया है? मेरे वार्ड की जनता से आप एक बार बात कर लेते तो ज्यादा बेहतर होता, हम क्या बताए उसमें, हमारी वार्ड की जनता ही सब कुछ है। फिर भी आप बता सकते हैं कितना आपको जनता का सहयोग मिल रहा है, आप तो जनता के बीच गए होंगे। 100% वार्ड नंबर 12 की जनता मुझे ही चाहती है जी। अगर आपको जनता मौका दे देती है तो 5 ऐसे कौन से बड़े काम होंगे जो आप अपने वार्ड में कराना चाहेंगे? मेरे वार्ड में सबसे 5 बड़े मुद्दे हैं, जैसे सड़क, बिजली, पानी, थोड़ा सा दिक्कत है आरओ प्लांट लगवाना, साफ सफाई का विशेष ध्यान देना, मच्छर की दवा छिड़कवाना, मेरे वार्ड के प्रमुख उद्यान है और मच्छर की दवा का विशेष है जी। महिलाओं और बच्चों के लिए क्या कुछ खास करना चाहेंगे? महिला और बच्चों के लिए हमारे वार्ड में थोड़ा सा जगह है, हम चाहेंगे कि माननीय हमारे जो भी आगामी चेयरमैन साहब होंगे उनसे विशेष जगह है, ग्राउंड खाली है, वहाँ पे महिलाओं बच्चों के लिए पार्किंग की व्यवस्था कराई जाएगी जी। आपको जनता का नेता कहा जाता है, इसका क्या कारण है अरुण जी? ये मैं नहीं करता, मेरे वार्ड नंबर 12 की जनता का प्यार और दुलार है जो मुझको कहते हैं। कैसी टक्कर देखने को मिल सकती है आपके वार्ड में? हमारे वार्ड की टक्कर, मैं निर्दलीय प्रत्याशी हूँ और टक्कर तो भाई यहाँ बीजेपी के कैंडिडेट है, सपा के भी हैं जी, तो टक्कर तो वहाँ की जनता ही मुझको लड़ाई है, तो हम टक्कर में इसको क्या माने, जनता ने मुझको चाहा और मैं चुनाव लड़ा जी। आज के राजनीतिक घटनाक्रम को देखते हुए कैसे विकास की गाथा लिखेंगे आप? मैं वार्ड नंबर 12 से, अगर मेरे वार्ड की जनता का स्नेह और प्यार मिला जीत के आने के बाद, सबसे पहले मैं अपने जनता का तहे दिल से आभार व्यक्त करूंगा, धन्यवाद करूंगा और अपने पार्टी के यशस्वी जिलाध्यक्ष बड़े भाई आदरणीय श्री कुंवर डॉक्टर बीके सिंह जी द्वारा मैं उनका हाथ जोड़ के आभार करूंगा। राजनीति में आप किस आदर्श के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं?
आदर्श जी मेरे वार्ड की जनता वही मेरा आदर्श है, उनका प्यार दुलार और विकास। मीडिया एक सशक्त माध्यम है, अपनी बात कहने का प्राइम टीवी के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? मैं प्राइम टीवी के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मेरे वार्ड की जनता ही सब कुछ है, और मेरे वार्ड की जनता जो कि व्यापारिक वार्ड है और सब पढ़े लिखे और व्यापारिक हैं, सभी ये चाहते हैं कि मेरे वार्ड में खुशहाली हो और अच्छा वार्ड हो, अच्छा विकास हो जी। सर देखा जाए, अच्छा जनप्रतिनिधि चुना जाए उनके वार्ड का जी। देखा जाए एक तरफ कोरोना भी पांव पसार रहा है, कोरोना जैसी महामारी देखने को मिल रही है, तो अपने वार्ड में इसको लेकर आप क्या करेंगे, लोगों को क्या कितना जागरूक करेंगे? मैंने कोरोना के टाइम जी सामाजिक कार्य का बहुत ही दान अनुदान दोनों किया था, और मेरे परिवार से मेरे बड़े भैया, मेरे पिताजी, मेरे भाइयों ने सभी ने किया, हमारे जितने भी रिलेटिव हैं सभी ने कोरोना टाइम में बहुत ही अनुदान किया जी। तो अरुण जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो नगर संग्राम में आज मुलाकात हुई प्रयागराज हंडिया वार्ड नंबर 12 से सभासद निर्दलीय प्रत्याशी अरुण कुमार साहू से। को देखते हुए लगातार हमारी टीम, लगातार प्राइम टीवी की टीम हर एक वार्ड में पहुंच रही है और जनता से वार्ड का हाल जान रही है, प्रत्याशियों से बातचीत कर रही है। बता दें इसी बीच हमने प्रयागराज हंडिया वार्ड नंबर 12 से सभासद निर्दलीय प्रत्याशी अरुण कुमार साहू से बातचीत की, जैसा कि आपने सुना। बता दें निकाय चुनाव होने में महज कुछ ही वक्त रह गया है। निकाय चुनाव में कुछ ही वक्त रह गया है और सभी पार्टियां एक्शन मोड में नजर आ रही हैं, सभी प्रत्याशी जनता के बीच जा रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं। फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।